हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब बूस्टर में। मेरा नाम है रोमन पाठक। तो आज तारीख 28/2/2018, तो हम डेली के 5 वर्ड देखते हैं। तो चलिए आज के 5 न्यू वर्ड्स देखेंगे। तो जो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड है वो है एलिजेंस। एलिजेंस का मीनिंग क्या है? निष्ठा, राजभक्ति या फिर आज्ञा का पालन या वफादारी। ओके, एलिजेंस का क्या मतलब है? निष्ठा, आज्ञा का पालन, वफादारी और राजनिष्ठा, स्वामी भक्ति, जो वगैरह वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल प्रोफेसिंग एलिजेंस टू रिलीजन इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ठीक है, अब इसका उदाहरण हिंदी में देख लेते हैं। धर्म के प्रति निष्ठा दिखाने वाले लोगों की संख्या में गिरावट बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, धर्म के प्रति जो निष्ठा दिखाने वाले व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिजेंस। ओके, एलिजेंस का क्या मतलब होता है? वफादार, आगे का पालन, निष्ठा, राजभक्ति, स्वयं भक्ति वगैरह वगैरह। ओके, तो पहला वर्ड हो गया हमारा। चलिए सेकंड वर्ड की चलते हैं। तो जो सेकंड वर्ड है वो है ओब्सक्योरिटी। ओब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है गुमनामी, धुंधलापन, अंधकार, अस्पष्टता, अप्रसिद्धि वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में। आफ्टर विनिंग द नोबल प्राइज ही लिव्ड इन ओब्सक्योरिटी फॉर 4 डेकेड। ओके, नोबल पुरस्कार जीतने के बाद वो 4 दशकों तक गुमनामी, ओके, गुमनामी में जीवन व्यतीत करता रहा। ठीक है, ओब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है? गुमनामी। ठीक है, या फिर अप्रसिद्धि, विस्मृति। ओके, तो दूसरा वर्ड भी हो गया। चलिए आज का जो तीसरा वर्ड है वो है बीमत। ओके, बीमत का मतलब क्या होता है? विशाल काय या फिर विशाल पशु वगैरह की भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं। इट इज वर्चुअल सुसाइड टू अटेम्प्ट टू कम्पीट विद द बीमत सर्च इंजन लाइक गूगल। ठीक है, गूगल जैसे विशाल सर्च इंजन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास तो वास्तव में आत्महत्या के समान है। ठीक है, बेमित मतलब बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा। ठीक है, बेमत। चलिए आज का चौथा वर्ड है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़, धक्का मुक्की, भागम भाग, खलबली। ठीक है, या फिर अफरा तफरी। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट वीक्स सेवरल हंड्रेड शिया पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब श्रद्धालु, ठीक है, इन बगदाद जो इराक की राजधानी है, वर किल्ड इन ए स्टैम्पेड स्पार्क बाई रूमर ऑफ अ सुसाइड बॉम्बर इन देयर मिडस्ट। मिडस्ट मतलब बीच में। ओके, उदाहरण देख लेते हैं। गत सप्ताह बगदाद में सैकड़ों शिया तीर्थ यात्री उनके बीच में आत्मघाती व्यक्ति होने के संबंधित अफवाहों से पैदा हुई भगदड़ में मारे गए। मतलब रूमर्स क्या होता है? अफवाहें। ठीक है, तो स्टैम्पेड का मतलब क्या हुआ? भगदड़, धक्का मुक्की या फिर खलबली, अफरा तफरी। ठीक है, आज का जो लास्ट वर्ड है वो है बिलिटल। ठीक है, बिलिटल का मतलब क्या होता है? अनादर करना, कम महत्व किसी को देना, छोटा करना, अपमान करना। ठीक है, या फिर अनादर करना, अवज्ञा करना। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एयरफोर्स सेंसर नॉट ओनली हाइड द फैक्ट बट ऑल्सो बिलिटल दोज हु पब्लिकली रिपोर्ट यूएफओ साइटनिंग। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। वायुसेना द्वारा लागू सेंसर व्यवस्था के अंतर्गत न केवल तथ्यों को छिपाया जाता है अपितु उन लोगों का भी अनादर किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से यूएफओ को देखने की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये बिलिटल का मतलब क्या हो गया? अनादर करना, किसी को कम महत्व देना, छोटा करना, या फिर किसी को भाव ना देना, या भी कह सकते हैं बिलिटल। ठीक है, तो बिलिटल ये हमारे आज के जो 5 वर्ड्स थे वो हो गए हैं। चलिए एक बार फिर से हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बिलिटल अनादर करना, कम महत्व देना किसी को, स्टैम्पेड मतलब भगदड़, धक्का मुक्की और खलबली, बेमत और विशाल काय। ठीक है, और ओब्सक्योरिटी मतलब गुमनामी, धुंधलापन, और एलिजेंस क्या होता है? निष्ठा, राजव्यक्ति, स्वयं व्यक्ति, वफादारी और स्टैम्पेड। तो ये आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं बुक है बूस्टर के। धन्यवाद।